Good morning to you all. Today we are going to learn the difficult words of chapter number 7, that is always be grateful. हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हमेशा हम लोगों को क्या रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफिकल्ट वर्ड्स. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट वन है, लेट अस जी आर ए टी ई एफ यू एल, ग्रेटफुल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल? ग्रेटफुल का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग एन एप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड. दैट मीन्स एक ऐसा फीलिंग या फिर कोई एप्रिसिएशन दिखाना जो किसी काम को किया गया हो या फिर कुछ रिसीव किया गया हो. तो इसलिए ये क्या कहलाता है, इस एक्शन और इस फीलिंग को क्या कहते हैं हम, ग्रेटफुल. सगर इट इज स्लेव, एस एल ए वी ई, स्लेव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेव? अ पर्सन हु इज द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड इज फोर्स्ड टू ओबे दम. यानी एक मास्टर होता है, क्या होता है, जो भी वर्क अगर वो अपने जो वर्कर्स हैं उसे बताता है करने को, देन दे आर फोर्स्ड टू डू दैट. यानी वो लोग को करना ही पड़ेगा. थर्ड इट इज जी आर ओ ए एन, ग्रॉन. अगर कोई पेन में होता है, डिफिकल्टीज में होता है, तो जो साउंड आता है, जैसे होता है ना, अगर हम लोग का स्टमक पेन कर रहा है तो हम लोग अजीब सा साउंड क्रिएट करने लगते हैं, इन द सेम वे इट इज ग्रॉन, मीन्स साउंड कन्वेइंग पेन. नेक्स्ट इट इज फोर्थ नंबर, टी ई डबल आर आई एफ आई ई डी, टेरिफाइड. टेरिफाइड मीन्स टू कॉज और टू फील एक्सट्रीम फियर, यानी किसी चीज से डर लगना, बहुत ज्यादा डर लगना, दिस इज नोन एज इट टेरिफाइड. फिफ्थ रोर, आर ओ ए आर, रोर. किसी भी एक वाइल्ड एनिमल्स का जो डीप क्राई होता है, बहुत ही अंदर से रो रहा हो, दैट साउंड इज कमिंग, विच इज नोन एज द रोर. सिक्स एस डब्ल्यू ओ डबल एल ई एन, स्वेलन. यानी फूल जाना कहते हैं ना, स्वेलिंग हो जाता है कभी, क्यों होता है, और क्या होता है, फूल करके कभी अगर कहीं चोट लगा तो फूल के कैसा हो जाता है, बड़ा बन जाता है. इट इज राउंडर इन साइज, इजंट इट. कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज हमारे ब्लड में कहीं पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं वहां पे ब्लड, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो एरिया फूल जाता है. दैट इज नोन एज स्वेलिंग, दैट इज स्वेलिंग. सेवेंथ पी ए डब्ल्यू पॉ, दैट इज पंजा. एट्थ पी आर आई एस ओ एन, प्रिजन. नाउ व्हाट इज अ प्रिजन? एक ऐसा बिल्डिंग जिसमें कि लोगों को रखा जाता है, वो भी लीगली रखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोग क्या किए रहते हैं, कोई क्राइम या फिर कोई जिन्हें जो पनिशमेंट दी जाती है, जो क्राइम किए होते हैं वो लोग, उस बिल्डिंग में रखा जाता है. जैसे कि जेल, इजंट इट. जेल में क्या होते हैं, वहां जो पर्सन होते हैं उन्होंने कुछ क्राइम किया है जिसके लिए वो लोग को पनिशमेंट दी जाती है, और वो लोग को ऐसे एक बिल्डिंग में रखा जाता है, उस बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं प्रिजन. नाइन्थ इट इज सी यू एस टी ओ एम, कस्टम. जैसे क्या होते हैं, पहले से ही दादा दादी या फिर जो हमारे पूर्वज लोग हैं जो फॉलो करते आ रहे होते हैं, उसे हम भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. इट कैन बी, उसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल, जो कि हम लोग एक्सेप्ट किए होते हैं, दैट इज नोन एज द कस्टम. टेंथ इट इज सी आर ओ डब्ल्यू डी, क्राउड. क्राउड आप सभी लोग जानते हैं, भीड़ को कहते हैं, जहां पे कि बहुत सारे लोग एक साथ गैदर्ड होते हैं, इजंट इट. जैसे हम लोग मान लीजिए रोड पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं खड़े हुए, दैट इज द क्राउड. और अगर कोई चीजें आ रही हो या फिर कोई मेला है, इन दैट ऑल्सो, इन डिजनीलैंड ऑल्सो यू कैन वॉच लाइक अ क्राउड, भीड़, इजंट इट. नाउ इलेवेंथ ए आर ई एन ए, एरिना. एरिना का मतलब होता है एक ऐसा लेवल या फिर सिटिंग. आप लोगों ने वॉच किया होगा जो क्रिकेट होता है, स्टेडियम, इजंट इट. जो स्टेडियम होता है वो क्या होता है, एक लेवल एरिया होता है जहां पे कि बैठने के लिए वो एरिया क्या किया जाता है, सराउंड किया जाता है, जहां पे कोई भी स्पोर्ट्स वहां पे किया जा सकता है, स्पोर्ट्स होता है वहां पे, या फिर कोई एंटरटेनमेंट्स हो या फिर कोई दूसरा पब्लिक इवेंट्स वहां पे होता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिना. ट्वेल्थ इट इज ई एस सी ए पीई डी, स्केप्ड. स्केप्ड मीन्स भाग जाना. जैसे मान लीजिए आपने कुछ गलती की है और मम्मी आपको दौड़ा रही है,
किस लिए दौड़ा रही है? ताकि आपको आपकी पिटाई कर सके। तो आप लोग क्या करते हो, झटके से क्या करते हो, जब तक मम्मी आती है तब तक आप लोग क्या हो जाते हो, फुर हो जाते हो। दैट इज नोन एज द स्केप्ड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 7। यू विल टेक आउट योर बुक पेज नंबर 49 एंड यू विल फिल दिस फिल इन द ब्लैंक्स। हियर ऑप्शंस आर गिवन हियर लाइक फॉरेस्ट, पेरेंट्स, ग्रॉन, क्रूएल, ऑल। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको फिल करना है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आर दैट सेंड अस टू स्कूल, कौन सेंड करता है आप लोगों को स्कूल? यस, पेरेंट्स। सो यू विल राइट इट डाउन हियर वन नंबर, यू विल राइट हियर पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स। सेकेंड इट इज वी शुड हेल्प डैश द पीपल हु नीड आर हेल्प, हम लोगों को लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस ऑल, सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सो यू विल राइट इट डाउन हियर ए डबल एल, ऑल। थर्ड, एंड्रोसिल्स मास्टर वॉज ए डैश मैन, जो एंड्रोसिल्स था उसका जो मास्टर था वो कैसा इंसान था, क्रूएल। सो यू विल मार्क इट हियर थर्ड नंबर एंड यू विल राइट हियर सी आर यू ई एल, क्रूएल मैन। फोर्थ, एंड्रोसिल्स रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस एंड हिड इन अ, जब वो मास्टर के हाउस से एंड्रोसिल्स भागा था तो वो कहां पे जाके छिपा था, यस कहां पे, फॉरेस्ट में। सो यू विल राइट इट डाउन योर फोर्थ नंबर एंड यू विल फिल इट योर एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट। फिफ्थ नंबर, एंड्रोसिल्स हर्ड द डैश ऑफ ए लायन कमिंग आउट फ्रॉम ए केव, एंड्रोसिल्स को क्या सुनाई दी लायन की, वो भी कहां से, केव से यानी गुफे से, दैट इज ग्रॉन। हियर यू विल राइट इट ऑन फिफ्थ नंबर एंड हियर जी आर ओ ए एन, ग्रॉन सुनाई दी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक एंड द डिफिकल्ट वर्ड्स यू विल राइट इट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड यू विल लर्न दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।